नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत कर प्रथम हेडलाइंस खोल विभत्स हत्यार गुमर मुंड विहीन महिला मृतदेह उद्धार घटना दुई गिरफ अभियुक्त को सीन रिक्रिएशन घटनास्थल को नेला स्पेशल स्क्वाड मृतक महिला राजधानी निकटस्थ जिलार सूचना सुप्रीमकोर्ट में कोटिया बिवाद आसंता हेब शुणा आंध्र करुवा निर्वाचन को नहीं कोर्ट को द्वारस्थ होते राज्य सरकार आंध्रप्रदेश सरकार विरोध में अदालत अवमानना मामला रुजु कहा को दिजन भारत इंचे जमी एलएसी स्थिति को ले राज्यसभा राजनाथ को दृढ़ोक्ति कहिले चीन सह सफल होउछि आलोचना पेंगांग उत्तर और दक्षिण सीमार हटे उभय सेना पुणि चाषी रोषर शिकार मंत्री प्रताप जेना सुंदरगढ़ टांगरपाली में मंत्री को घेरिले चाषी धान बिक्री एवं टोकन बंटन में अनियमितता को नहीं विरोध प्रदर्शन विजिलेंस जाल में सरकारी बाबू जंगल विभाग डेप्युटी रेंजर का पांचटी स्थान में एककालीन चढ़ाउ बैंक आकाउंट अलंकार समस्त संपत्ति रही जांच चढ़ाउ में चार जिलार विजिलेंस टीम सामिल पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन लागी ओडिशा सरकार का अनुरोध लोकसभा रे बलांगीर सांसद प्रश्नर उत्तर रखिले केन्द्र आईन मंत्री कहले एजाए केन्द्र को देना प्रस्ताव शेषे राजधानी में विभत्स हत्याकांड मंचेश्वर दुर्वृत्तों आक्रमण में स्वामी मृत स्त्री गुरुतर लोन ने केन्द्र कर मर्डर जड़े गिरफ एथर संपूर्ण खबर भुवनेश्वर में मुंड विहीन महिला मृतदेह मिलवा घटना गिरफ हेले दुई अभियुक्त अभियुक्त को नहीं सीन रिक्रिएशन घटनास्थल को नेला स्पेशल स्क्वाड केउठी किभली भाबरे एभली विभत्स हत्या करा जाइछि तहार खुलासा करिवे अभियुक्त सेपटे मृतक राजधानी आखपाख जिलार होइतबा सूचना मिलिछि प्रेसमिट करी एनी सविशेष तथ्य देव कमिशनरेट पुलिस फेब्रुआरी 4 तारिख रे राजधानी उपकंठ चंदका दासपुर अंचल कटामुंड महिलांकर मृतदेह मिलिथिला तबे महिला जनक परिचय कोन ओ किए तांकु एभली विभत्स भाबे हत्या कला ओ हत्याकांडर हत्याकांड पछर कारण कोन ताहा छानबीन करूछि पुलिस एपरिकि महिलांक परिचय देले 50,000 टंका मिलबो बोली चारिआडे पोस्टर लगाइथिला कमिशनरेट पुलिस एवं मृतकंक परिचय मिलबा परे पुलिस रो तदंत आगेछि उक्त महिलांक परिचय मिलि परछि त घर लोक बकर पुआ मेडिक देखि के कन्फर्म करथु साइंटिफिकली तंको परिचय कन्फर्म करथु ताबे कुत दि जना अटक अछि ए विषय सविशेष तथ्य पुलिस सेवा भवन डिटेल प्रेस सर कोन सुप्रीमकोर्ट में कोटिया बिवाद आसंता हेब शुणा कोरापुट जिला कोटिया रे आंध्रप्रदेश सरकार निर्वाचन घटना को नहीं राज्य सरकार सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होते 2006 मसीह कोटिया सीमा बिवाद प्रसंग में सुप्रीमकोर्ट दे पूर्णांग राय को आंध्रप्रदेश सरकार पालन करशा अदालत अवमानना मामला रुजु कर राज्य सरकार वकिल शिवशंकर मिश्र नूआदिल्ली में ओडिशा सरकार अधिकारी कोटिया सीमा बिवाद प्रसंग में आलोचना करने सुप्रीमकोर्ट में ओडिशा पक्ष आंध्रप्रदेश सरकार विरोध में अदालत अवमानना रुजु सहित पिटिशन त्वरित शुणी अनुरोध कर 1968 मसीह कोटिया सीमा प्रसंग उपर स्थितावस्था बजाय रखा निमंत सुप्रीमकोर्ट निर्देश देते भारत इंचे जमी क्या दिजन राज्यसभा निजर बृत्ति रखा समय एभली दृढ़ोक्ति प्रकाश कर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सूचना अनुसार पूर्व लद्दाख एलएसी रे चाइना सैन्य को कड़ा जवाब देखते भारतीय सेना गत वर्ष चीन एलएसी रे विपुल परिमाण गोलाबारूद ठूल करुला तेरे एवं आलोचनार सुफल मिलवाक जाऊँ दुई पक्ष पेंगांग उत्तर एवं दक्षिण कूल हटापी राजी होता कहते राजनाथ चाइना पिंग 8 निजर सैन्य को रखिपार यहसह राजनाथ कहते भारत इंचे जमी क्या भी दिजा ना देशर अखंडता को बजाय रखापी भारतीय सर्वदा प्रस्तुत दुईपक्ष निजे निजर पूर्व निर्धारित स्थान में पहुंचा नहीं भारत पक्ष स्पष्ट भाव कठार निर्माण को डाटाई हटाई दिज्व 2020 एप्रिल पूर्वर स्थिति पुणि लागू करा भारत और चाइना मध्य सहमति प्रकाश पाई राजनाथ कहते यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर
1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित सीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। पश्चिमबंगर परिवर्तन उत्सव रे वर्तमान अभिभाषण रखुचंती अमित शाह असंतु सीधा सलक नजर पकाबा आया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, मगर आप चिंता मत करो, एक बार सरकार बना दो मैं आपको गारंटी देता हूं एक सप्ताह के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल के हर गरीब को मिलती है। हम कहा दीदी अब आप नहीं रोक सकती है गरीबों को उनकी सेवा करने से। नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाएं आप और आपका भतीजा जो रोक कर बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मई के बाद आप रोक नहीं पाओगी क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं हो। मित्रों मोदी सरकार इस प्रकार की 115 योजनाओं के माध्यम से गरीबों के कल्याण में लगी। सरकारें क्यों होती? गरीब बीमार बूढ़े किसान आदिवासी दलित उनकी सेवाएं करने के लिए सरकार होती। ये सारी योजनाएं 115 योजनाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है वो सारी गरीबों के लिए है। ये ममता दीदी रोक कर बैठी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। अगर ये तो हमारे दिलीप घोष ने लड़ाई न ली होती तो वो घोषणा भी कर चुकी होती कि अगली बार भतीजा मुख्यमंत्री बने, मगर अब डर गई घोषणा नहीं करेगी। ऐसे परवर्ती खबर को पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन प्रसंग। स्थायी बेंच स्थापन पर केन्द्र को अनुरोध करिछंती ओडिशा सरकार, किंतु वास्तव कथा होछि एपर्यंत ओडिशा सरकार स्थायी बेंच पर केन्द्र को प्रस्ताव देना। बुधवार लोकसभा रे बलांगीर सांसद संगीता सिंहदेव प्रश्न उत्तर दे एभली स्पष्ट भाषा रे दोहराइछंती केन्द्र आईन और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद। हाईकोर्ट को सह परामर्श करी बेंच पर स्थान चिन्हट करबा सह एक विस्तृत समन्वित प्रस्ताव देबा पई केन्द्र पक्ष ओडिशा सरकार को अनुरोध करा जायछि, किंतु एपर्यंत कोनोसी उत्तर मिले नाही। तेणु हाईकोर्ट बेंच स्थापन प्रसंग एबे राज्य सरकार को निकट रे ही अटकी रहिछि बोली मंत्री श्री प्रसाद निज उत्तर रे उल्लेख करिछंती। तबे संपर्कित पूरा तथ्य पाए आम सहित दिल्ली रु सीधा सड़क जोड़ी होती आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी होती सहित मध्य लोकसभा सांसद सुरेश पूजारी अच्छा सहित स्वतंत्र साक्षात आलोचना करवा। गगन वास्तविक भाव में जदि जानवे जे पश्चिम एवं दक्षिण ओडिशा रे किभली भाव में स्थायी बेंच प्रतिष्ठा करा जिवो याकु नै कि अनेक दिन रु दाबी होई आसुची एवं पश्चिम ओडिशा वासी याकु नै खास करी हुए तो अनेक समय राजरास्ता को आसिछंती एवं वकील संघ मध्य रास्ता को आसिछंती, किंतु वर्तमान रो जो तथ्य सामना को आसुची जो सूचना आसुची जे रविशंकर प्रसाद केन्द्र आईन मंत्री जो कथा कहउछंती जे वास्तविक भाव में राज्य सरकार जितने केन्द्र सरकार को दायी करुछंती बा केन्द्र सरकार को दोष दउछंती सेतबेले वर्तमान पूरा वास्तवता सामना को आसुची जे एबे राज्य सरकार जेहेतु जमी दे पानांती सेथि पई ये घटना वर्तमान राज्य सरकार को पाखरे सीमित रहिछि। कोन कहबे कोन अधिक आलोचना करबे
तबे वर्तमान पश्चिम एवं दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन दाबी एबा अनेक दिनरो दाबी होय आसुची एवं स्थायी बेंच स्थापन पई केन्द्र को अनुरोध करिसेंती और ओडिशा सरकार किंतु वास्तव कथा आउची एपर्यंत ओडिशा सरकार स्थायी बेंच पई केन्द्र को प्रस्ताव दे नाहंती। बुधवार लोकसभा रे बलांगीर सांसद संगीता सिंधों को प्रश्न उत्तर दे एभले स्पष्ट भाषा रे बुझाई कहिथिले केन्द्र आईन मंत्री रविशंकर प्रसाद हाईकोर्ट को सह परामर्श करी बेंच पई स्थान चिन्हट करबा सह एक विस्तृत समन्वित प्रस्ताव देबा पई केन्द्र पक्षरु ओडिशा सरकार को अनुरोध करा जायथिला किंतु एपर्यंत ओडिशा पक्षरु कोनोसी भी उत्तर मिले नाही। फळरे आज पर्यंत हाईकोर्ट बेंच स्थापन प्रसंग अटकी रहिछि केवल राज्य सरकार को पाखरे जोधि पई कि ये हाईकोर्ट बेंच स्थापन दाबी वर्तमान पर्यंत अटकी रही आज पर्यंत किंतु राज्य सरकार बारंबार एक आसुचे केन्द्र पाखे वर्तमान जेहेतु केन्द्र करार दायित्व रही केन्द्र को प्रस्ताव देते किंतु केन्द्र करूना किंतु आज पूरा सतकथा सामना को आसुची कौटिना कौटि राज्य सरकार मोहरा बनाऊंट राज्य सरकार मिछ कही चलते कारण आज आईनमंत्री जो कथा कही बास्तविक भाव में एपर्यंत राज्य सरकार जमी चिन्हट करना केन्द्र पक्ष जो अनुरोध रही राज्य आज पर्यंत राज्य सरकार पाखरे से कथा अटकी रही है राज्य सरकार आज पर्यंत कौन सी उत्तर देना जो कि हाईकोर्ट बेंच स्थापन आज पर्यंत हो पारे ना। तबे आज दाबी नुहे अनेक दिन धरी हाईकोर्ट बेंच स्थापन दाबी हो आसुची पश्चिम एवं दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन दाबी धरी जो वकिल संघ माने रही अनेक समय राजरास्ता को आंदोलन करिसेंती किभली भाव में पश्चिम एवं दक्षिण ओडिशा रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन कराउ कारण ओडिशा रे एकमात्र हाईकोर्ट एवं पश्चिम ओडिशा रु जेतेबेले कोनोसी समस्या उपजी थाए सेमाने ही केवल कटक को आसी थांती आउ जहां सेमानक पई खर्च बहुल होइथाय एवं अनेक समय रे मध्य व्यवधान एवं अनेक रास्ता देकी समान आसी थांती सेथि पई सेमाने चाहुतिले हाईकोर्ट बेंच स्थापन पश्चिम एवं दक्षिण ओडिशा रे हो जहां को नेकि राज्य सरकार को पाखरे अनेक थरो दाबी करिसेंती एवं बहु वर्ष हेलाणी ये दाबी होय आसुची एवं ये प्रस्ताव मध्य केन्द्र सरकार को पाखु को जाइथिला एवं केन्द्र सरकार को पाखु जेतले प्रस्ताव जाइथिला सेतबेले केन्द्र पक्षरु मध्य राज्य सरकार को कहा जाइछि जे वास्तविक भाव में एक जमी चिन्हट करबा पई जो जमी रे हाईकोर्ट बेंच स्थापन करा जिवो किंतु राज्य सरकार आज पर्यंत से प्रश्नर कोनोसी उत्तर देनाहती बा आज पर्यंत जमी चिन्हट करनाहती फळरे आज पर्यंत हाईकोर्ट बेंच स्थापन होइ पार नाही ये घटना पूरा अटकी रहिछि राज्य सरकार को पाखरे किंतु राज्य सरकार बारंबार भूल तथ्य देउछंती ओडिशावासी को एवं वकिल संघ मानंकु जे वास्तविक केन्द्रर अवहेला पई आज हाईकोर्ट बेंच स्थापन होइ पार नाही किंतु सांसद रे आज रविशंकर प्रसाद पूरा वास्तव कथा ही कहिछंती। विधानसभा अधिवेशन सर्वदलीय बैठक डाकिले बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र फेब्रुआरी 17 तारीख में बसिब ही सर्वदलीय बैठक एही बैठक में विरोधी दल नेता संसदीय व्यापार मंत्री सरकारी दलर मुख्य सचेतक और कांग्रेस विधायक दलर नेता उपस्थित रहिबे गृह सुरखुरी चलिबा नै हेबो आलोचना विधानसभा फेब्रुआरी 18 एप्रिल 9 पर्यंत चलिबो एही बजेट अधिवेशन राज्यपाल अभिभाषण चलित बर्षर बजेट अधिवेशन आरंभ हो 22 तारीख में गृह में उपस्थापना 2021-22 आर्थिक वर्षर राज्य बजेट हेबो विधानसभा रे चलित वर्ष पेपरलेस बजेट आगत हेबो लोकसभा रे जेपरी चलित वर्ष पेपरलेस बजेट आगत होईछि ठीक सेहिपरी विधानसभा रे मध्य पेपरलेस बजेट आगत करा जिवो। विधानसभा तो ऑलरेडी ता टाइम टेबल प्रकाश पाई जाइछि जे आसंता 18 तारिख थारु आरंभ हेबो एवं माननीय राज्यपाल 18 तारिख दिन तांगो दीक्षात भाषण देवे 22 तारीख दिन माननीय वित्तमंत्री तांगर बजेट उपस्थापन करिवे ए विधानसभा कार्यक्रम नहीं आसंता 17 तारीख दिन दिन 11:30 बेले सर्वदलीय बैठक विधानसभा कक्षर बसिबो सेति आमे आलोचना करिवु हाउ टू रन द हाउस पीसफुली एवं जेतु आमे कोविड कमी जाइथले मध्य
जेहेतु रेस्ट्रिक्शन बर्तमान राज्य सरकार केंद्र सरकार बर्तमान सब क्षेत्र रखिंट पार्लियामेंट समस्त लोकसभा राज्यसभा मेंबर को पार्लियामेंट भीतर जावाई कोविड टेस्ट होमरा 15, 16, 17 तीन दिन धरिकी कोविड टेस्ट हो समस्त विधायक मंत्रिपरिषद सभ्य स्पीकर डेप्युटी स्पीकर विधानसभा समस्त कर्मचारी प्रेस मीडिया तेज भुवनेश्वर में मुंडविहीन महिला मृतदेह मिलवा घटना गिरफ होती घटन दुईज अभियुक्त दुईज अभियुक्त को आज पुलिस सीन रिक्रिएसन घटनास्थल को नेबा नहीं आलोचना एवं दुई अभियुक्त जनक सहित महिला संपर्क था जो कि महिला हत्या करना आसुच्छ दुई जो महिला मुंडविहीन महिला मृतदेह उद्धार कर राजधानी कौन से आखपाख जिलार बोली अनुमान कर सेपटे आज दुई अभियुक्त को सीन रिक्रिएसन नि वर्तमान सीधासलख दृश्य आप देखुं घटनास्थल दुई अभियुक्त को वर्तमान सीन रिक्रिएसन नि कि घटना कि महिला मृत्यु करण मृत्यु क्यों परिस्थिति रे दुई अभियुक्त हत्या करते मुंड काटी ये सबको आज सीन रिक्रिएसन मध्यम अभियुक्त मैंने देखेबे आज स्पेशल स्क्वाड वर्तमान से घटनास्थल को नहीं घटनास्थल में सीन रिक्रिएसन क्यों परिस्थिति क्यों समय क्यों सठिक जगार किभली भाव एवं क्यों अस्त्र साहाज्य से माने वास्तविक भाव में महिला जनक एभली निर्मम भाव हत्या करते तबे ए संपर्कित पूरा तथ्य पाई आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि रोशन जोड़ी होती रोशन वर्तमान रो अपडेट कौन आस देखु चिन्मय बर्तमान कटा मुंड मिल सारी भरतपुर निकट में पखापाखि जो स्थान में डेडबडी मिलता से पाखापाखि 3-4 किलोमीटर दूर से भरतपुर निकट में गोटे गच मूल कटा मुंड को लुचा जाता अभियुक्त मैंने वर्तमान से स्थान को जाई कटा मुंड को बाहर करते फोरेन्सिक टीम कटा मुंडर विभिन्न प्रकार ब्लड सांपल सहित कटा मुंडी वास्तविक से महिला नहीं नुह ताक वर्तमान फोरेन्सिक टीम जांच कर बर्तमान से अभियुक्त मानू से जो स्थान में डेडबडी मिलता कि डेडबडी को फोपाड़ी से स्थान को सीन रिक्रिएसन अणाई पुलिस को जदि आम कहीपर बहुत किसी सुराग मिल सारी घटन वास्तविक में जहाँ अनुमान कर अभियुक्त जी आरेस्ट गिरफ कर घर जो रही गंजाम अंचल में रही श्रमिक भाव में कम करते महिला जनक हत्याकांड जो ये जहाँ मृत्यु होती जी हत्याकांड वर्तमान से लेबर हिसाब से कम करते जहाँ कहुची जे ट्रांगुलर प्रेम को लेकिन हत्याकांड टी वर्तमान सुधा तो पुलिस पक्षर कि स्पष्टीकरण मिल पारिना किंतु एमने राजधानी गोटे बस्ती में रही बस्ती में रोते हत्या कला दुईज फेरार होते बर्तमान अभियुक्त को एठार सीन रिक्रिएसन करो स्थान में डेडबडी टी फोपाड़ी केमती आनी फोपाड़ी से जगह बर्तमान सीन रिक्रिएसन कर पुलिस जो प्रेसमिट कर पूरा घटना उपर रहस्य खोल किंतु पुलिस को जो जो एविडेंस कहला जो मुंड गोटे बड़ एविडेंस वर्तमान एविडेंस पुलिस मिल सारी जहाँ कहुची वर्तमान जो जो अस्त्र जरिया टटिकाटी हत्या करेपन्स ता मिली ना ना पुलिस वर्तमान स्पष्ट करते कि जो स्थान में डेडबडी टी फोपाड़ी से स्थान को आनी वर्तमान पुलिस से सीन रिक्रिएसन कर पुलिस को गोटे बड़ सफलता कहे अत्युक्ति हम ना भुवनेश्वर डीसीपी अच्छा अतिरिक्त डीसीपी अच्छा स्पेशल स्क्वाड्र पूरा टीम अच्छा किभली हत्या कले किभली आनी फोपाड़े स्थान में क्यों गाड़ी में आणले बर्तमान तथ्य हासिल कर पूरा घटनास्थल में जो बर्तमान अभियुक्त मान डेडबडी मिलता महिला मुंडविहीन डेडबडी से स्थान में क्यों स्थान में फोपाड़े केमती फोपाड़े से पूरा घटनार वर्तमान डेमो देखाऊँ दुई अभियुक्त चिन्मय निश्चित भाव में रोशन वास्तविक भाव में यह गोटे भुवनेश्वर चांचल्यकर घटना रही है जे हत्या करा महिला मुंड जिते मिल ना ताकू कमिशनरेट पुलिस कथा कहतु समस्ते हरणघणार पड़ते वास्तविक ये महिला किए अनेक दिन धरी खोजा जाऊला महिला परिचय मिल ना जो कमिशनरेट पुलिस पुरस्कार राशि घोषणा कला और आप जानते हैं जो भाव में विज्ञापन दिगला जी महिला परिचय दिया जी दे
ଦେବ ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଏବେ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରେମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସମ୍ପର୍କ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି? ରୋଶନ जहाँ खबर मिलुची जे ट्रांगुलर प्रेम जोगु ही एई महिलाकर हत्याकांड करा दैतला, जहाँ सूचना मिलुची जे महिलाकर उभय पुरुषक सहित संपर्क थिला एवं केउथिना केउठी वर्तमान केमिति हत्या करा गला, तांकु प्रथमे केमिति टंटी चिपी हत्या करा गला, ए दुई जण संप्रुक्ति अछन्ति ना आउ अधिक संप्रुक्त अछन्ति, के के प्रकृतरे एथिरे आउरी शामिल अछन्ति, हत्या केउ समय रे हत्या करा दैतला, तापरे केमिति आनी डेड बॉडी कु एठारे फोपडा गला, ए सबु उपरु पुलिस रहस्य उठाइब। किंतु गोटे प्रकार पुलिस पाखे सब प्रमाण लगि सारी गोटे प्रकार एवं दुई अभियुक्त के स्थान में मुंड लुचे से बाहर कर सारी भरतपुर अंचल पाखापाखि जो डेड बॉडी उधार होता तार पाखापाखि 3-4 किलोमीटर मूल दूर से गोटे बुदा मूल मुंडी को लुचा जाता मुंडी को टीम बाहर कर पुलिस मुंडी को बर्तमान ब्यागे नहीं जाती जांच तार फोरेन्सिक जांच कर मुंडर एवं क्योंठि ना क्योंठि मुंड जितेबले 7 दिन धरी पुलिस निरंतर प्रयास रही है जे मुंड केमती मिल कटा मुंडी क्योंठि अच्छी जो पुलिस संधानी कुकुर फेल मारिता तेणु क्योंठि ना क्योंठि बर्तमान पुलिस को गोटे बड़ सफलता मिली कारण बड़ एविडेन्स जोटा गोटे डेड बॉडी मुंड नाला मुंड को खोजा चलता से मुंड बर्तमान पुलिस पाखे लग सारी दुई अभियुक्त जो मुंड मिलता ता से स्पॉट आइडेंटिफाई कर सारी जो डेड बॉडी फोपाड़े सेठे केमती डेड बॉडी को आनी फोपाड़े ता दुई जन सीन रिक्रिएशन कर सारी तेणु क्योंकि क्योंकि 8 दिन पर पूरा घटना उपर पुलिस रहस्य उठाई निश्चित भाव में कहीपर जो दीर्घ 7 दिन धरी जो टीम गठन करा विभिन्न दिग को जांच करते सबूर वर्तमान प्रमाण मिली पुलिस को बड़ सफलता मिली कहे अत्युक्ति हम ना कि बर्तमान पर्यटन जितेबले पर्यटन कारण कौन स्पष्ट हो पारे ना निहाति भाव कारण को बर्तमान पुलिस कहीं दुई जनकर हत्या करागला से नहीं बर्तमान पुलिस खोजी अंपटे बर्तमान जदि देखा साइंटिफिक टीम जो माटी को कलेक्शन कर जो स्थान मिलता जो जो डेड बॉडी मिलता जो ब्लड पड़ा से मटिक बर्तमान फोरेन्सिक टीम कलेक्शन कर बॉडी लगी सहित मुंड जो मटी लगी जांच करती फोरेन्सिक टीम तेणु सबको बर्तमान तन्न तन्न कर जांच कर सबू दिग को गोटे एविडेंस किभली भाव में लागू न हुए ताऊपर पुलिस अधिक दृष्टि दूसरी कारण कोर्ट में जितेबाला पुलिस एविडेंस गुड़िक देखेब से जमी कौन एविडेंस मिस न हुए से सबक अधिक गुरुत्व दि जाऊँ तेणु निश्चित भाव में जो जो अस्त्र जरिया हत्या कराइला जो ब्लड सैंपल कहीपर कि जो बर्तमान मुंड मिलवा कथा सहित सबको बर्तमान पुलिस अधिक गुरुत्व दूसरी चिन्मय निश्चित भाव में रोशन जो भली भाव में गोटे बड़ खुलासा होई एवं कमिश्नरेट पुलिस को एक बड़ सफलता कहीपर कि वास्तविक कथा हो जो बा जो महिला मुंड विहीन मृतदेह मिलता तार मात्र 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भितर जो भाई आपड़ सूचना दूसरे जो कटा मुंडटी को से अभियुक्त मैंने रखी थे लुचाई रखी थे से कटा मुंड मिली किंतु ताहा महिलांकर कि नाही एपर्यंत स्पष्ट होना कारण जपर्यंत डीएनए टेस्ट स्पष्ट न एवं जपर्यंत साइंटिफिक टीम द्वारा ये सब कथार पर्दाफाश न होपर्यंत स्योर हो पारा ना कि जहाँ हुए तो ये आम 75% कि 80% कहीपर जे ये मुंडटी हूँ से महिलांकर सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ ये दुई जन अभियुक्त जे वर्तमान जो मानक पुलिस गिरफ कर सीन रिक्रिएशन करास्तविक भाव में आउ कौन से जो देखा जदि अन्य कौन सी उपाय रे जो कथा कहीपर रोशन जे जमी महिला जन को आनी अस्त्र काटी कौ भावर मुंड काटी ना प्रथम हत्या करते प्रथम केवल एक पूरा एका थरक मुंड काटी ये सबको वर्तमान सीन रिक्रिएशन रे देखा जाइछ ना नहीं देखो तो वर्तमान तो सीन रिक्रिएशन रे जो अभियुक्त जो मैंने आसते कि भाव में डेड बॉडी को सेठी फोपाड़ी ताकई तेणु क्योंठ ना क्योंठि जो फोरेन्सिक टीम पाखे बहुत किसी प्रमाण रही अनुध्यान करेंगे प्रमाण आधार में बहुत किसी तदंत करेणु प्राथमिक आम जदि देखा जो फोरेन्सिक टीम आसला एठार बहुत किसी फिंगर प्रिंट संग्रह कर फिंगर प्रिंट सहित जो ब्लड सांपुल रही किसी छुरी मिलता दुईट छुरी
ତାକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମାଟିକୁ ନେଇଛି, ସେ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଡେଡ୍ବଡି ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଣ୍ଡଟି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଛି ସେ ମୁଣ୍ଡର ରକ୍ତ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକରେ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ବିନା ଡେଡ୍ବଡି ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟି ସେଇ ଡେଡ୍ବଡିର ନାହିଁ ନୁହଁ, ରକ୍ତ ସାମ୍ପଲକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯିବ, ମାଟିର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତେଣୁ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ କିଛି ଭାବରେ କେମିତି ଲସ୍ ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଶନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପୁରା ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ତାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି ମିଳିଛି ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେଉଁ କାରଣରୁ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଦେହ କରରେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ, ଯେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସମ୍ପର୍କ, ଯେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମହିଳା ଜଣକ ବିବାହ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ, ଏବଂ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଆସି ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଏଭଳି ନରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ବୋଧହୁଏ ରାଜଧାନୀରେ ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ଯେ ହତ୍ୟା ପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅନେକ ତର୍ଜମା କରିଥିଲା, ୟା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବା ଅନେକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ବାସ୍ତବିକ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ, କେଉଁଠିକାର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ଫଟୋ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଫଟୋ ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ହାତର କହୁଣୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଫଳ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ରହିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯିବ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।